हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी हम रास्ता से गुजर रहा था, अपने दुकान जा रहा था, और ये शाहरुख भाई और उसकी शॉप पे एक स्कूटी एक्टिवा है ना, एक्टिवा। तो इस बाइक में एक्चुअली करंट नहीं आ रहा है और बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो शाहरुख भाई ने मुझे बोला और बोला कि गुरु जी, थोड़ा इस बाइक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, CDI ख़राब है या क्या ख़राब है, थोड़ा चेक कर लो, मैं नया लगा दूँगा। तो अभी हम आया हूँ बाइक पे और स्कूटी जो है हमें अभी देखेंगे। तो चलिए इसका CDI पहले लगा देता हूँ, ठीक है? आप लोगों को दिखाता हूँ, इस बाइक में करंट नहीं आ रहा है। चलो भाई लगाते हैं, लगा दिया है। चलो मारो भाई, चाबी ऑन है, चाबी ऑन करो, चाबी ऑन करो। करंट नहीं आ रहा है, छोड़ो छोड़ो। तो सबसे पहले स्टेप जो है हम लोगों को CDI की जो यूनिट है यहाँ पर हम लोग चेकअप करेंगे, इसका वोल्टेज, चेकअप करके रीडिंग ग्राउंड। तो दोस्तों इस कपलर में मिलेगा, थोड़ा नज़दीक करो बेटा, रेड कलर में जो ब्लैक कलर है इसमें 12 वोल्ट आएगा, ओके। बराबर 12 वोल्ट आ रहा है। अब पिकअप कॉइल का रीडिंग चेक करेंगे कंटिन्यू में करके, ठीक है? ब्लू में पीला पिकअप कॉइल का रीडिंग 200 के ऊपर आएगा, 247, ओके। अब यहाँ ग्राउंड हम लोग को चेक करना है, तो वोल्टेज पे लगाएंगे एक वायर। तो मल्टीमीटर को वोल्टेज पे कर दिया, हरा कलर की जो वायर है वो हम लोग का ग्राउंड है। तो दोस्तों यहाँ 8 वोल्ट शो कर रहा है, और ग्राउंड अगर यहाँ से ले तो 12 वोल्ट शो कर रहा है ना, और यहाँ से ग्राउंड देख रहा हूँ तो 8 वोल्ट, यानी कि हम लोग को वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसके लिए हम लोग को वोल्टेज कौन कम दे रहा है? ग्राउंड कम दे रहा है, क्योंकि ग्राउंड यहाँ से हम अगर ले तो 12 वोल्ट ले रहा है ना, और यहाँ से ग्राउंड ले रहा हूँ यानी कि 8 वोल्ट। तो हमने क्या किया, सही पाया वोल्टेज, सही पाया पिकअप कॉइल का रीडिंग, सही पाया, लेकिन ग्राउंड जो है वो सही नहीं पाया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वायर का यूज करेंगे और ग्राउंड यहाँ से देंगे। तो चलो भाई, हरा कलर में एक एक्सटर्नल वायर हमने भरा, और हरा कलर की जो वायर है बैटरी के जो नेगेटिव वायर है ग्राउंड है इस पर लगाएंगे, और आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो भाई करंट चेक करो, एकदम करंट आ रहा है। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, इस वायर को खोल लेता हूँ, दिखाओ दिखाओ, इस वायर को खोल लिया और करंट नहीं आ रहा है ना। तो बाइक हरगिज हराम में स्टार्ट नहीं लेगा। तो प्रॉब्लम जो था चुटकी में हमने निकाला मल्टीमीटर की मदद से, वोल्टेज, पिकअप कॉइल का रीडिंग और ग्राउंड। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताते आया हूँ कि वोल्टेज, पिकअप कॉइल का रीडिंग और ग्राउंड सही रहे, और 100% CDI अगर सही रहे तो ऑटोमेटिक बाइक में इग्निशन लाइन बनेगा। बट इस बाइक में जो फॉल्ट था ग्राउंड की, तो ग्राउंड की जो वायर है ये कहीं से कट है उसको देखना है, और अगर यहाँ से ग्राउंड कर देगा तो भी काम बन जाएगा। तो दोस्तों ग्राउंड का काम शाहरुख भाई कर लेगा ना। तो चलो यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।